आज के इस वीडियो में आप स्टेयरकेस वायरिंग करना सीखेंगे, जिसमें एक लैंप को दो टू वे स्विच से कंट्रोल किया जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इसमें एक लैंप होता है और दो टू वे स्विच होता है। एक टू वे स्विच सीढ़ी के शुरू में लगा होता है और एक ऊपर लगा होता है, एक नीचे लगा होता है, एक ऊपर लगा होता है। टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं। हमने न्यूट्रल यहाँ से ले लिया और फेज यहाँ से ले लिया। न्यूट्रल को हम डायरेक्ट लैंप से जोड़ देंगे और फेज को दोनों में से किसी भी स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे दे देंगे। उसके बाद ऊपर वाले स्विच के ऊपर वाले से मिला देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मिला देंगे और ये जो बीच वाला टर्मिनल है, दूसरे स्विच का बीच वाला, इसे लैंप से कनेक्ट कर जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ से जोड़ दिया। जैसे कि हमारा फेज वायर यहाँ से आ रही है स्विच में, मान के चलिए कि मेरा स्विच दबा हुआ है, ये नीचे की साइड है, नीचे की साइड जुड़ा हुआ है, ये नीचे की साइड जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ से सप्लाई आएगी और ये स्विच भी नीचे की तरफ है, ये स्विच भी नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, तो इस केस में हमारी लाइट जल जाएगी। फिर हम कोई यदि यहाँ से भी ऑफ करना चाहे तो यहाँ का ऊपर स्विच कर देगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। और यहाँ से भी जब हम ऊपर वाले को दबा देंगे, ऊपर वाले स्विच को ऊपर से दबा देंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। इसी तरह यदि ये स्विच यहाँ से कनेक्ट नहीं होके यहाँ पे कनेक्ट होता, मतलब ऊपर कनेक्ट होता, तो यहाँ से सप्लाई आती और ये भी ऊपर कनेक्ट होती और सप्लाई लैंप को मिल जाती और लैंप जल जाता। ये लैंप हो गया, ये टू वे स्विच हो गया। ये भी टू वे स्विच हो गया। आइए अब एक दूसरा तरीका सिखाता हूँ। जैसे कि एक लैंप है, और ये दो टू वे स्विच हैं। न्यूट्रल हमने यहाँ से लिया और फिर यहाँ से ले लिया। न्यूट्रल को सीधा हमने लैंप को दे दिया। टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं। फेज की वायर को दोनों स्विच में से किसी भी बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसमें करेंगे ऊपर वाले टर्मिनल को नीचे वाले से जोड़ देंगे और नीचे वाले को ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे और इस लैंप को, लैंप की वायर को यहाँ बीच वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस केस में जैसे कि हमारा स्विच ऊपर की तरफ दबा हुआ है, ऊपर की तरफ दबा हुआ है तो सप्लाई यहाँ से आएगी और ये स्विच नीचे की तरफ दबा होगा तो सप्लाई लैंप को मिल जाएगी और लैंप ऑन हो जाएगा, लैंप ऑन हो जाएगा। इसी तरह जब ये स्विच नीचे से हम दबा देंगे तो यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी और सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और लैंप ऑफ हो जाएगा। यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, दोनों स्विच से हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये दोनों टू वे स्विच हैं। मुझे उम्मीद है कि आप स्टेयरकेस वायरिंग करना सीख गए होंगे। यदि सीख गए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।